कैसे हो? अच्छी, आप कहाँ थे कब से? मैं आपको कितना ढूंढनी थी। मैं थोड़ा काम कर रहा था बेटा। क्या काम? बताता हूँ, कम बताता हूँ सबको। आ जाओ आराम से। अटेंशन एवरीबॉडी, हाय। अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सॉरी, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है और अपनी ही हल्दी के लिए मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है। ये है प्रियांश वर्मा, हमारी इंडस्ट्री के जाने माने राइटर। यू नो, मैं सच में मानता हूं कि एक प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे राइटर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। राइटर्स एक प्रोजेक्ट का बैकबोन होते हैं और हम राइटर्स को ही उनका क्रेडिट नहीं देते। पर आई प्रॉमिस यू प्रियांश, मैं इसे चेंज करूंगा। हमारी अगली फिल्म के लिए आपको आपका ड्यू क्रेडिट मिल के रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो यही थी मेरी न्यूज, इनकी अगली पिक्चर में मैं सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करूंगा बल्कि प्रोड्यूस भी करूंगा। अरे वाह, आज तो फिर डबल सेलिब्रेशन हो गया। आइए आइए, इसी को सेलिब्रेट करते हैं, चलिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए प्रियांश, आपकी स्क्रिप्ट को मैं जस्टिस देने की पूरी कोशिश करूंगा और हम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर हल्दी। थैंक यू। राहुल, पेपर वर्क सब स्टार्ट करा दो यार। ओके, प्लीज ड्रॉप इट। चलिए, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे कैसी फिल्म है ये? आधा सच नहीं, एक ही वर्ड है, आध्यात्मिक। इस आदमी को हिंदी बोलनी तो आती नहीं है और दुनिया इसे हिंदी फिल्मों का सुपरस्टार मानती है। क्या कहा? सबको बताती हूँ कि जीनी पापा सुपर हीरो बन रहे हैं। ओके बेटा। सुपर जीरो बनने चला है सुपर हीरो। बहरा नहीं हूँ मैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे ताने समझ नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है अगर समझ में आ रहे हो तो। और मैं तुमसे डरती नहीं, मुझे जो लगा वो मैंने बोलती हूँ। तुम्हें लगता है मैं सुपर हीरो नहीं बन सकता? सुपर हीरो बनने के लिए ना तुम्हें तमीज है और ना ही लिहाज, और सुपर हीरोज में कभी एटीट्यूड और ईगो नहीं होता जो तुम में कूट कूट के भरा है। सुपर हीरो की एक्टिंग करनी है मुझे, मैनेज कर लूंगा मैं, समझी? रियल लाइफ नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं कि घर पे भी डायन और बाहर भी। हाँ हूँ मैं डायन, एटलीस्ट जो हूँ वो सबके सामने हो, तुम्हारे जैसी फेक एटीट्यूड लेके नहीं घूमती मैं। फेक एटीट्यूड? ओए बस। और पुत्र सारी लड़ाई आज ही लड़ोगे आप लोग? पुत्र जाके अपना हुलिया ठीक कर, देख हल्दी की रस्म का ना मुहूर्त निकला जा रहा है, जाके कपड़े बदल ले। आ जाएंगे पुत्र। मैं भी जरा फ्रेश हो जाता हूँ। एक मिनट पुत्र,
इंदु को भी ले जाना अपने कमरे में, ये बेचारी भी फ्रेश हो जाएगी। मेरे कमरे में क्यों, गेस्ट रूम है ना। अरे अरे गेस्ट रूम कैसे, तेरी होने वाली बीवी है, कोई गेस्ट नहीं है, तो आज से तेरा कमरा भी उसी का कमरा है, तो आदत डाल दे। ठीक है, ठीक है जी। चलो हम चलते हैं। आज तक अपना रुमाल तो शेयर किया नहीं मैंने किसी के साथ, अब इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपना रूम बाथरूम सब शेयर करना पड़ेगा। अब वैसे देखते ही रहोगे या चलोगे भी? तुम्हें देख रहा हूँ, शक्ल देखो अपनी। पहले अंदर चल के खुद आईने में अपनी शक्ल देखो, फिर बात करो। क्या हुआ? मेरा कमरा। जानती हूँ मैं ये तुम्हारा कमरा है, पर अभी सिर्फ मेरा नहीं रहेगा ना, तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा मुझे। मेरा कमरा, मेरा वार्डरोब, मेरा बाथरूम तक चला गया। रियली? तुम्हें शादी के कुछ घंटों पहले ये बात समझ में आ रही है? मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास शादी का इनविटेशन लेके, तुम खुद आए थे मेरे पास शादी का रिश्ता लेकर, याद है ना? याद है मुझे, रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ अपने डिसीजन को, बस सडनली फील हो रहा है मुझे कि अब मेरी स्पेस में हमेशा कोई रहेगा, मेरी चीजें शेयर करेगा, मुझे आसपास दिखेगा। कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गया इस फीलिंग के लिए? हाँ ठीक है ना, बाथरूम उधर है। जानती हो पहली बार नहीं आई, हर बात पे आर्ग्यू करना जरूरी नहीं होता। आइए। शावर पैनल अच्छी तरह समझ लो एक बार, ये मेन नॉब है, लेफ्ट में करोगी ठंडा पानी आएगा, राइट में गरम। ये बॉडी पैनल शावर्स है, अगर इन्हें ऑन करना तो इस नॉब को लेफ्ट करना या राइट, और पानी का टेम्परेचर 32 डिग्री से एक्सीड मत करना, जल जाओगी। बस बस बस, ये शावर है या किसी प्लेन का कॉकपिट, इससे इजी तो हमारे घर का नल है। हाँ वो नल जहाँ हाथ धोने जाते हैं तो आदमी नहा के बाहर निकलता है। वेरी फनी, हो गया तुम्हारा, अब जाओ जनहाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शावर जेल बॉडी वॉश इसी जगह पे वापस रखना, और शावर लेने के बाद पूरा बाथरूम वाइप कर देना, मुझे बाथरूम में एक बूंद पानी भी नहीं पसंद, पूरी तरह ड्राई होना चाहिए, सूखा। हो गया, जल्दी करना, मुझे भी नहाना है, ये नहीं कि शावर पैनल देखा और दो घंटे नहा ही रही हो। समझता क्या है अपने आप को ये ड्रामा कंपनी। ये ऑफ कैसे होगा, ये बंद कैसे होगा, ये रितेश क्या हुआ, ये ऑफ कैसे होगा? अरे मैं क्या है? सिखा के गया था ना, मैं सब खराब कर दिया। बंद करो, मैं भीग रही हूँ। तुझ में ही जाने क्यों दिल मेरा खो रहा है, मिल ही जाता है जिसको जो आखिर मिलना होता है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनकी हल्दी भी हो गई, मतलब कुछ ही घंटों में इनकी शादी भी हो जाएगी। नो 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 समीर, ये शादी नहीं हो सकती है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, यूं ही हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते हम, कुछ सोचो समीर, कुछ करो, हमारे सारे प्लान फेल हो गए, मेरे 5,000 करोड़ चले जाएंगे, वी कांट लूज दिस। वो महेश भी किसी काम का नहीं निकला। अपने आप को इतना वो तोप समझते है ना, तो उसको बोल जाकर खुद रितेश से शादी कर ले, समझा? कादंबरी प्लान मिल गया, तुम्हें शादी करनी होगी। क्या शादी? रिलैक्स, तुम बैठो, तुम्हें सब बताता हूँ। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। पहले ये तो बताओ कि प्लान क्या है।
फैंटास्टिक समी, दिस इज फैब। इस प्लान के फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं तैयार हूँ इस प्लान के लिए। मैं भी।